महाराष्ट्र के वारणा नदी की घाटी, जहां के कण कण में थी भूख, अभाव, अशिक्षा और अपराध। एक बंजर उपेक्षित जमीन, जहां लोगों से उनका अभाव भी छीन लिया जाता था। फिर इसी बंजर जमीन में पनपे कुछ सपूत, विश्वनाथ राव कोरे, केडी पाटिल और यशवंत राव चव्हाण, जिनकी आंखों ने इस मरुभूमि को स्वर्ग बनाने का सपना देखा। ये तीनों नौजवान कूद पड़े भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई में। देश कई भांति से अधीन था। इस गहन संकट ने युवा विश्वनाथ राव कोरे को एक नई राह दिखाई। देश की स्वतंत्रता की लड़ाई छोड़ विश्वनाथ राव कोरे लौट आए अपने गांव कोडोली। उन्होंने पहले अपने गांव को उसके शत्रुओं से आजाद करने का निश्चय किया और वारणा की बंजर घाटी को अपनी कर्मभूमि बनाया। धीरे धीरे उनके सपने साकार होने लगे और वारणा घाटी में एक क्रांति आ गई, और इस क्रांति का आरंभ हुआ कोडोली हाई स्कूल की स्थापना से। जब देश अंग्रेजी साम्राज्य से आजाद हुआ तो किसान भी आजाद हुए, तरक्की के नए अवसर खुले। वारणा के किसान गन्ना उगाते थे और उसके रस का गुड़ बनाकर बेचते थे। अगर वे गुड़ के बजाय शक्कर बना सकते तो उनका मुनाफा और बढ़ सकता था, पर शक्कर की मिल लगाने के लिए किसानों के पास धन कहां था। विश्वनाथ राव कोरे को एक उपाय सूझा, क्यों ना सभी किसानों को मिलाकर एक सहकारी संघ बनाया जाए। पर यह सुझाव सभी किसानों को देना इतना आसान नहीं था। लेकिन विश्वनाथ राव कोरे ने हार नहीं मानी। उन्हें पूरा विश्वास था कि एकता में बल ही नहीं समृद्धि भी है। तात्या साहब और विश्वनाथ राव कोरे ने अंततः किसानों को समझा ही लिया और वारणा सहकारी आंदोलन का जन्म हुआ। इस तरह वारणा सहकारी शक्कर उद्योग की स्थापना हुई। शक्कर मिल की हलचल ने वारणा घाटी में नई ऊर्जा ला दी। 80 गांव के किसानों ने मिलकर रास्ते में आई हर बाधा को दृढ़ता से पार किया। जल्दी ही वारणा सहकारी शक्कर मिल की गन्ने का रस निकालने की क्षमता देश में सबसे अधिक हो गई। फिर किसानों ने खेत सींचने के लिए वारणा नदी पर 5 बांध बनाए। गन्ने के खेतों की उपज में जोरदार वृद्धि हुई। शक्कर के उत्पादन से समृद्धि आई और वारणा घाटी के किसानों का मानो पुनर्जन्म हुआ। तात्या साहब कोरे का सहकारी संघ का सपना साकार हुआ। वारणा के भूमिहीन मजदूरों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए वारणा सहकारी संघ ने एक दुग्ध उत्पादन उद्योग शुरू किया और फिर वारणा सहकारी बैंक किसानों की वित्तीय सहायता के लिए। सहकारी बैंक इन मजदूरों को पशु खरीदने के लिए कर्ज मुहैया करवाती थी। पशुपालन और दुग्धशाला का उद्योग चल निकला और आज वारणा सहकारी दुग्ध उद्योग एक अति आधुनिक केंद्र है, जहां प्रतिदिन लगभग 3 लाख लीटर दूध इकट्ठा होता है। यहां विभिन्न दुग्ध उत्पाद जैसे श्रीखंड, घी, मलाई रहित दूध पाउडर, लस्सी, चीज, मक्खन आदि का निर्माण होता है। वारणा श्रीखंड और वारणा लस्सी अपनी श्रेणी के अग्रगण्य उत्पादन है। वारणा घाटी की महिलाओं ने मिलकर वारणा भगिनी मंडल शुरू किया। इस तरह घर गृहस्थी की रेलम पेल से निकलकर महिलाएं भी इस क्रांति से जुड़ गईं। तात्या साहब कोरे का सपना था कि वारणा के लोगों में आर्थिक और बौद्धिक क्रांति दोनों आए। इस उद्देश्य से वारणा विभाग शिक्षण मंडल का गठन हुआ, जिसके तहत कई स्कूल तथा कॉलेज खोले गए कला और विज्ञान दोनों की शिक्षा के लिए। धीरे धीरे गरीबी और निरक्षरता के विरुद्ध लड़ाई में तात्या साहब और वारणा के लोगों की जीत हुई। वारणा के बाल वाद्य वृंद उनकी इस उपलब्धि की गाथा पूरे विश्व को सुनाते हैं। तात्या साहब कोरे मिलिट्री अकादमी इस उद्देश्य से शुरू हुआ कि यहाँ शिक्षा पाकर नौजवान निडर सिपाही और सफल नागरिक दोनों बने।
वारणा सहकारी संघ की क्रांति ने पुरुषों, महिलाओं, बच्चों सभी को प्रेरित किया। कई अन्य विचार और अवसर जन्मे। वारणा सहकारी मुर्गी पालन उद्योग एक अत्यंत सफल सहकारी संकल्प है। वारणा बाजार एक सुपरमार्केट श्रृंखला है जो हर गांव में खुली है। शक्कर मिल में गन्ने के रस की प्रक्रिया से निकली बगैस से वारणा पेपर मिल को कच्चा माल उपलब्ध होता है और उसी प्रक्रिया में उत्पन्न मोलेसेस से वारणा डिस्टिलरी में औद्योगिक अल्कोहल बनाया जाता है। वारणा में स्थित वडगांव कृषि शोध केंद्र पर्यावरण के अनुकूल कृषि तकनीकों का विकास कर रहा है तो महात्मा गांधी अस्पताल किसानों के लिए आधुनिक चिकित्सा सुलभ करा रहा है। वारणा घाटी में आजादी लाने का जो सपना तात्या साहब कोरे ने देखा था उसका साकार रूप आज सबके लिए एक प्रेरणा स्रोत है। तात्या साहब का सपना, उनकी दूरदर्शिता, उनके पुत्र श्री विलास दादा कोरे को विरासत में मिली। उन्होंने कृषि उद्योग में आ रही क्रांति को भांप लिया था। उनके प्रगतिशील पुत्र श्री विनय कोरे, जिन्हें सब साउकर कहते हैं, वो भी इस सपने को आगे बढ़ा रहे हैं। वारणा का हर व्यक्ति खुद अपने भाग्य का विधाता हो, यही हमारा उद्देश्य है। आज आवश्यकता है कि हम पारंपरिक भारतीय मूल्यों और 21वीं सदी की तकनीकी उपलब्धियों को मिला सकें। हम वारणा सहकारी आंदोलन के द्वारा इससे जुड़े हर व्यक्ति की प्रगति के लिए प्रतिबद्ध है। आजकल वारणा में एक अत्यंत प्रगतिशील प्रयोग हो रहा है, वारणा वायर्ड विलेज का, जिसके तहत सभी 80 गांव आपस में कंप्यूटर से जुड़े हुए हैं। ये भारत सरकार का एक प्रयोगात्मक अनुकल्प है जो सबसे पहले वारणा में शुरू किया गया है। वेबकॉस एक अत्याधुनिक उद्योग जहां फलों के रस की प्रक्रिया से विभिन्न खाद्य सामग्री बनती है। ये अनुकल्प अमरीकी कर्ज तथा तकनीकी गठबंधन से शुरू हुआ है। वारणा नगर का हर उद्योग समाकलित, पारस्परिक और एक कड़ी में जुड़ा हुआ है, लेकिन बाहरी सहायता पर निर्भर नहीं है। यहाँ हर व्यक्ति अपने श्रम का फल पाता है। 80 गांवों का हर किसान इस सफल वारणा सहकारी संघ का एक भागीदार है। मई 2012 को अंतर्राष्ट्रीय सहकार वर्षगांठ पर नई दिल्ली में केंद्रीय कृषि एवं सहकार मंत्रालय द्वारा आयोजित राष्ट्रीय सहकार परिषद में भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और भारत के कृषि मंत्री माननीय नामदार शरद रावजी पवार महोदय ने वारणा सहकार उद्योग समूह के द्वारा किसानों के जीवन परिवर्तन के लिए हो रहे विविध उपक्रमों की प्रशंसा की। And extremely happy that this conference got the opportunity to see a Varna model which accepts practically every field in that particular day. Varna is the name of the river. Varna Nagar is a tiny village. But just because of the vision and efforts from great visionary and co-operator, Professor Kure and his committed team has practically changed the entire area and shown altogether a different path which can transform the life of the millions of poor people. Today, Varna is a remarkable region which, by following the socio-economic objective in the mind, has transformed a rural region with almost none living below poverty line. And now Varna area is peaking in terms of becoming a carbon neutral poor by the year 2015, as was said. So the Varna poor complex had a message that Vijayawadi mission will focus on better technology and sound management can fulfill the socio-economic objective of creating prosperous, healthy society emanating from the bottom of the pyramid to cooperative model. The cooperative model, product, diversification, process innovation, market understanding have all been the hallmark of creativity of Varna solutions. यहाँ सही मायने में आजादी है।
आजादी निर्धनता से, आजादी निरक्षरता से। वारणा में विकास की क्रांति आई है और ये अब भी जारी है। जो कल एक बंजर अभावग्रस्त भूमि थी, वही वारणा आज एक उर्वर स्वर्ग है। सहयोग और सहकारी प्रकल्प का एक अत्यंत सफल प्रेरणादायी उदाहरण।